इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विंडोज़ 11 के अंदर आप यहाँ पर देख रहे होंगे HDR वीडियो स्ट्रीमिंग, ठीक है। इसको हम टर्न ऑन या टर्न ऑफ कैसे कर सकते हैं और इसका बेसिकली काम क्या होता है, ये यहाँ पर मेनली इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि इसका काम क्या होता है। एंड यहाँ पर हम बात करेंगे कि बेसिकली ये मिलती कहाँ पर है और इसको टर्न ऑन या टर्न ऑफ कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले आपको मैं आपको बताता हूँ क्या करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको मेन्यू बार दिखाई दे रहा होगा, इस पर यहाँ पर टिक कर देना आपको स्टार्ट वाले ऑप्शन पर, ठीक है। और स्टार्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें सेटिंग्स में जाना है और सेटिंग्स में जब हम जाएंगे तो यहाँ पर हमें डिस्प्ले दिखाई देगी सबसे ऊपर। और देखिए, उसके बाद हमें यहाँ पर डिस्प्ले वाले ऑप्शंस पर जाना पड़ेगा। सबसे ऊपर ही हमें डिस्प्ले वाला ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। आप यहाँ पर देख भी रहे होंगे, ये रहा, इसे खोल लेना है। उसके बाद अब देखिए यहाँ पर मोर अबाउट HDR, यहाँ पर इसके बारे में और जानकारी ले सकते हैं, लेकिन जानकारी तो मैं ही दे दूँ इसके बारे में, तो हमें यहाँ पर इसे खोल लेना है। अब यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा यहाँ पर HDR वीडियो स्ट्रीमिंग। एंड देखिए, यहाँ पर HDR वीडियो स्ट्रीमिंग सपोर्टेड भी है, यूज़ HDR नॉट सपोर्टेड है। अब यहाँ पर HDR का मतलब क्या होता है, देखिए ये जो होते हैं हाई डायनेमिक रेंज की वीडियोस जो रहती हैं वो रहती है। अब यहाँ पर जो HDR होता है उसमें मान के चलिए नॉर्मल जो चीज़ें रहती हैं यहाँ पर पूरी की पूरी, वो सिस्टम में दो चार कलर ही रहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ। लेकिन जब हम HDR को ऑन करेंगे तो उसमें और ज़्यादा कलर्स इंक्रीज़ हो जाते हैं, एंड कलर जब इंक्रीज़ होंगे तो देखने में भी मज़ा आएगा, जाहिर सी बात है। जब हम देखेंगे किसी को तो स्ट्रीमिंग में या फिर किसी भी चीज़ में तो HDR का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, वीडियो प्लेइंग में भी। तो अगर उसमें कलर ज़्यादा इफ़ेक्ट डालेंगे तो क्वालिटी भी इंक्रीज़ होगी, एंड यहाँ पर मतलब देखने की क्वालिटी भी तो इंक्रीज़ होगी होगी, एंड उसके साथ साथ यहाँ पर कलर्स भी इंक्रीज़ होंगे इसको जब हम इनेबल कर देंगे। तो ये प्रोसेस रहता है इसको इनेबल करने का। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।